आपके सामने एक लघु नाटिका प्रस्तुत की जाएगी जिसका नाम है महामूर्ख। और हम आशा करते हैं कि आपको इसको देखने के बाद काफी शिक्षाएं मिलेंगी। तो इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और हम शुरू करते हैं ड्रामा। कलयुग में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जिनका नाम था राहुल वाड्रा। उनकी इतनी कंपनियां थी कि उन्हें खुद को भी नहीं पता। करोड़ों रुपयों का लेन देन उनके लिए मामूली बात थी। वो पेरिस में खाते थे, फ्रांस में सोते थे और जापान में उड़ते थे। एक दिन वो इंडिया में अपने ऑफिस में, जो कि बहुत ही आलीशान था, बैठे हुए थे। तभी उनके बचपन का मित्र, जो अब इस्कॉन से जुड़ चुका था और भक्ति के नियमों का अनुशीलन दृढ़ता से कर रहा था, अपने मित्र से मिलने आया। अरे राहुल भाई, कैसे हो? तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो। अरे अवस्थी, नहीं कुछ नहीं यार, बहुत 10 बिलियंस की कंपनी है, वो 1000 के करीब इम्प्लॉय है, सबको मैनेज करना होता है। आज कभी जर्मनी, कभी यूके, कभी न्यूयॉर्क, तो बस ऐसे ही टाइम निकलता चला जाता है। अरे भाई, तू इंडिया आया है तो कभी इस काम आ जाएगा। अरे यार, बस समय की, तुम्हें पता ही है, समय की कमी है यार। बहुत काम बहुत है हमारे पास, बहुत चीजें देखनी होती है, कई कंपनियां हैं, कई जगह फैक्ट्रियां हैं, अलग अलग कंट्रीज में जाना होता है। भाई मेरे यहाँ गौड़ होम में DIY का क्लास चल रहा है, उसमें आ जाओ थोड़े समय के लिए। अरे यार अवस्थी यार, बहुत मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन तुम कुछ और बोलो, बताओ क्या मैं और क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। मेरे से बताओ क्या डोनेशन चाहिए, कुछ और हेल्प चाहिए, किसी को फोन करना है, कोई चीफ मिनिस्टर के लायक कुछ काम हो बताओ, मैं फिर तुम्हें मदद कर सकता हूँ। बट यार मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास मैं आ नहीं पाऊंगा। यार तुम मानेगा नहीं। अच्छा सुन, मेरे एक आदमी को नौकरी पर रख ले अपने यहाँ। ठीक है यार, ये तो बहुत छोटा सा काम है। ठीक है, आप तुम भेज दो किसी को। तो इस तरीके से मिस्टर वाड्रा ने अपने मित्र की बात को ना माना। वो भक्ति करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन इस बात का भक्त को संतोष था कि उसने उनकी एक रिक्वेस्ट मान ली। और वो रिक्वेस्ट क्या थी? वो ये थी कि उनका एक बहुत ही मूर्ख दोस्त, जिसे सब लोग महामूर्ख करके चिढ़ाते थे, वाड्रा साहब तैयार हो गए उसे नौकरी देने के लिए। तो वो दिन आया जब वो महामूर्ख इंटरव्यू के लिए मिस्टर सक्सेना के पास गया। सक्सेना जी, यार एक मेरा दोस्त है, एक रेफरेंस भेजेगा, एक को जॉब देना है, जरा प्लीज देख लेना, जिस लाइक सुटेबल होगा उस हिसाब से देख लेना। बुला लेते हैं उसे, बुलवा लो। अरे भैया, क्या किस लिए आए भैया? क्या कहाँ किस लिए आए हो? कौन है आप? या मैं तुम्हारी कंपनी का मालिक हूँ, तुम क्यों आए हो? आहा, मेरे मित्र ने कहा था कि तुमको कोई नौकरी देगा। अच्छा अच्छा, तुम नौकरी के लिए आए हो, क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम पूछ रहे हो? नाम में क्या रखा है, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा शरीर थोड़ी हूँ जो मेरा नाम है। क्या क्या शौक है तुम्हारे?
मैं तो चीजें लुटाता हूँ, जो भी कुछ है मेरे पास वो सब मैं देता हूँ। करते क्या हो? क्या बोला? क्या काम कर सकते हो? इसके अलावा कुछ बचा है क्या करने को? चलो मैं बात करता हूँ। वाटर साहब, देख तो लिया मैंने लड़के को, अब आप ही देख लो किस लायक काम, जैसे किसी लायक तो है नहीं, पागल सा ही लग रहा है मेरे को। ऐसा करते हैं, इनको मंदिर में रख देते हैं, घंटी बजाते रहेंगे, ये तनख्वाह ही देना है और क्या है। ठीक है सचना जी, आपको जो ठीक लगता हो, ये दोस्त का रेफरेंस है, दे दो, क्या फर्क पड़ता है, एक लड़का घंटी बजाता रहेगा। चलिए ठीक है, दे देते हैं। तो सक्सेना जी ने उस महामूर्ख को एक घंटी लाकर दी। और उसका काम सिर्फ इतना था कि मंदिर में सुबह शाम घंटी बजाता रहे और इसके बदले उसे मिलेगा वेतन। तुम्हारे लिए ये घंटी है जो तुम्हें मंदिर में बजानी है सुबह शाम, और तुम्हें इसके लिए वेतन मिलेगा। यही काम बचा है। यही काम है मेरे लिए। हाँ बस यही काम है, इसी काम के तुम्हें वेतन मिलेंगे। बहुत बढ़िया। समय किसी का इंतजार नहीं करता, धीरे धीरे वक्त ऐसे ही व्यतीत होता गया। भगवान भगवत गीता में ये कहते हैं, कलो अस्मिन यथा कृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं और मैं यहां पर सबका नाश करने के लिए आया हूं, परंतु इस काल से वही बच सकता है जो भक्ति के नियमों का अनुशीलन करता है। परंतु राहुल वाड्रा ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी भक्ति के नियमों को ठीक से नहीं समझा, और वो समय आ गया जब उसके फेफड़े जवाब देने लगे, सांसें चलना लगभग बंद हो गई, कई डॉक्टर्स को भी बुलाया गया चेकअप कराने के लिए। एक बड़े ही प्रसिद्ध डॉक्टर, डॉक्टर मित्तल, उनका चेकअप करने के लिए उनके ऑफिस में स्वयं आए, और चेकअप करने के बाद वो क्या बोलते हैं ये तो सुनना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इनकी हालत कैसी हो रही है बताइए। इनकी हालत तो ठीक नहीं है, बहुत लेट हो गए। अच्छा है इनको घर ले जाएं, तुलसी दल गिरावा गंगा जल दें, गीता का उपदेश 15 अध्याय का सुनाएं और हरि कीर्तन करें। सारे मित्र उनके इर्द गिर्द एकत्रित हो गए, उनके बच्चे, उनके प्रिय सक्सेना, सब लोग उसके उनके इर्द गिर्द आ गए। पापा पापा कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, समय निकल चुका है, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ बेटा मैं। अरे वाटर साहब, आपके लिए मर्सिडीज दे दूं, साथ में ले जाओ। सक्सेना जी, अब मर्सिडीज आप ही भोगना, मैं तो बहुत दूर जा रहा हूँ। नहीं और क्या चाहिए आपको? नहीं मैं कुछ नहीं ले जा सकता। अरे कुछ तो लेके जाओ वहाँ। अरे सक्सेना जी, अब वहाँ तो बस अकेले ही जाना है। क्यों? ये मर्सिडीज पीछे क्या करेगी, ये बंगले पीछे क्या करेंगे? ये कुछ नहीं जाता है, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ सब अकेले ही जाना होता है सक्सेना जी। बच्चा भी कुछ बोलना चाहता था। सूट पूट तो ले जाओ। अरे बेटा वहाँ तो बस ऐसे ही खाली हाथ जाएंगे बेटा, कुछ नहीं जाएगा। मिठाई ले जाओ।
अरे मिठाई बेटा तुम खाना, मैं कुछ नहीं ले आ सकता साथ में। मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू। अरे बीएमडब्ल्यू भी बेटा तुम ही चलोगे, अब मैं तो कुछ नहीं ले जा पाऊंगा। मम्मा भी बेटा तुम्हारी सेवा करेगी, मेरी पूरी कुछ लाइक नहीं है। नहीं बेटा तुम भी नहीं, तुम तो यहाँ भोगो सब कुछ, इतना बड़ा एम्पायर सब बेकार हो जाएगा बेटा, वो तो तुम भोगो सब। तो ओबेरॉय साहब को याद आया, क्या याद आया कि एक दोस्त था और उसने एक भेजा था महमूद को, सक्सेना जी उस लड़के को जो आपने घंटी बजाने के लिए रखा था उसे भी बुला लो, उसको भी मैंने बहुत दिन घंटी बजाने के लिए रखा है, उसको भी उसका भी वेतन वगैरह तय कर दें, उसको भी बहुत उसने भी बहुत सेवा की है। अरे आ जाओ महामूद, आ जाओ, तूने बहुत अच्छी सेवा की है, तुमने मंदिर में बहुत अच्छी घंटी बजाई है। मैंने सक्सेना जी को बोल दिया है, अब तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी वेतन ये तय कर देंगे और सब दिन तुम्हें वेतन मिलता रहेगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम अपने जैसा एक और महामूर्ख लेके आओ जो आगे घंटी बजाता रहे, अब तुम इस घंटी से रिटायरमेंट ले लो और तुम्हें आराम से पेंशन मिलता रहे। आ जाओ महामूर्ख, आ जाओ। ये लो सरकार अपनी घंटी। अरे ये महामूर्ख मुझे घंटी क्यों दे रहे हो, मैंने तो तुम्हें दूसरे को घंटी बनने के लिए बोला था, जो सबसे बड़ा महामूर्ख है तुम्हें उसको देना है ये घंटी। जब मैं ये शरीर यहां पर छोड़ जाऊंगा, जितना सारा सुख था इस शरीर को मैंने सजाया संवारा, इसके लिए मैंने सब कुछ कार्य किया, अब वो आखिरी समय आ गया है जब ये शरीर मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो महामूर्ख कौन हुआ, कौन व्यक्ति महामूर्ख है? महामूर्ख वो है जो अपना पूरा जीवन केवल इंद्रिय तृप्ति में लगाए रखता है, पूरा जीवन भगवान से विरक्त होकर अपने मानसिक सुखों और बौद्धिक सुखों का आनंद लेता रहता है लेकिन आध्यात्मिक सुख तक नहीं पहुंच पाता है। तो मेरे दृष्टि से सर और बॉस जो आप हमारे हैं, आप ही महामूर्ख हैं। अरे आप महामूर्ख नहीं हो, आप सही सही बताओ कौन हो आप? मेरे दोस्त ने आपको यहाँ क्यों भेजा? मुझे नहीं लग रहा है कि आप मूर्ख हो, आप कोई बहुत बड़े साधु लग रहे, ज्ञानी लग रहे हो आप। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं आपके परम मित्र अवस्थी का एक इस्कॉन डिवोटी मित्र हूँ और उन्होंने मुझे भेजा था क्योंकि उनके हृदय में बहुत करुणा थी कि मेरा दोस्त भी ये जान पाए कि व्यक्ति के जीवन का मूल्य क्या है, व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें मेरे मित्र के पास नौकरी करने जाना है और मैं उन्हीं का आदेश लेकर आपके पास आया था और महामूर्ख बनकर मैंने ये कोशिश की कि आप तक ये मैसेज पहुंचे कि जीवन का दर्शन क्या है। सच कह रहे हो, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो और मैं सबसे बड़ा महामूर्ख, मैं सबसे बड़ा महामूर्ख, मैंने अपना जीवन ही वही व्यर्थ इकट्ठे करने में बिता दिया जबकि मुझे पता था कि इसमें से कोई भी चीज मैं अपने साथ ना ले जा सकता, ना तो अपने बच्चे ना बीबी और ना ये धन और ना ये गाड़ियां ना ये धन संपत्ति मकान कुछ भी नहीं। मैं सच में सबसे बड़ा महामूर्ख। कौमार आचरता प्रज्ञान धर्मान भागवताम इहा दुर्लभम मनुषम जन्मा तब अपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज जो कि एक महाजन है, और महाजन कौन, भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानता है, वो 5 साल की आयु में अपने कक्षा के मित्रों को ये बताते हैं कि ये मनुष्य जन्म है ये बहुत ही दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद जो एक समझदार एक बुद्धिमान जीवात्मा का कर्तव्य है वो ये है कि वो दृढ़ता पूर्वक कुमार अवस्था से यानी कि 5 साल की उम्र से भक्ति के नियमों को भक्ति के
नियमों का दृढ़ता से अनुशीलन करें और ऐसा करके वो अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। क्षण मात्र भी की गई भक्ति मनुष्य को अनेकों नारकीय परिस्थितियों से बचा सकती है, जैसे कि इस महामूर्ख के साथ हुआ। भक्त की कृपा से अपने जीवन के आखिरी क्षणों में उसने क्षण मात्र भक्ति करके नरक में जाने से अपने आप को बचा लिया। तो अब हमारे पास ये मौका है, हम भी प्रामाणिक संस्था से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति करना जीवन का परम उद्देश्य है। अपने जिंदगी में, अपने दिनचर्या में, अपनी रोज के